गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रशांत सर फ्रॉम स्टर्लिंग स्कूल बरामा जौनपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका रूल क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ कहीं भी समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आइए इंट्रागेटिव सेंटेंस के रूल को देखते हैं और फिर एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो रूल है इसका, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो रहा हमारा रूल। तो इसमें जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो शुरू में क्या से करके शुरू होगा, तो हमें वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है उसका प्रयोग करना है, न कि व्हाट का। तो पहला हमारा एग्जांपल है, क्या वह आलू खोद रहा था। क्या वह आलू खोद रहा था, तो सबसे पहले हम वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाना है, और प्लूरल रहेगा तो वर लगाना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है, वह मतलब ही या शी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्लियर करेंगे रहा था, रहा मतलब ही होगा, और ही हमारा सिंगुलर है इसीलिए वाज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, अब है वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, तो खोदना वर्ब है, खोदना डिग होता है, डी आई जी। उसके बाद आईएनजी जब लगाएंगे तो यहाँ पर डबल जी हो जाएगा, डिगिंग। क्यों डबल जी हो जाएगा, अगर लास्ट वर्ड से पहले हमारा कोई वावेल आता है तो आईएनजी लगाते समय वो वर्ड डबल हो जाता है। वाज ही डिगिंग, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आलू, डिगिंग द पोटैटो, पोटैटो। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क। वाज ही डिगिंग द पोटैटो, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम पानी पी रहे थे। तो यहाँ पर तुम दिया है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का, डब्ल्यू ई आर ई, वर यू। उसके बाद पीना आपका वर्ब है, ड्रिंक, उसमें एनजी जोड़ देना है, ड्रिंकिंग। वर यू ड्रिंकिंग द वाटर, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम पानी पी रहे थे, वर यू ड्रिंकिंग द वाटर। ये तो रहा इंट्रागेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और उसके रूल यहाँ थे। अब उसी का जो इंट्रागेटिव निगेटिव पार्ट है उसके रूल को देखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो उसका रूल है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखते हैं, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, ये तो रहा हमारा रूल। हमें इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस में करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे ही, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल इसका सॉल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले मैं का आई होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज आई नॉट, उसके बाद जाना, जाना का गो होता है, एनजी जोड़ देंगे, गोइंग
कहाँ जा रहे हैं? बाजार टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, आप इसको देखिए और कॉपी में नोट भी करते चलिए, और जो भी ना समझ में आए आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।